दोस्ताना 2 के खास अनाउंसमेंट कर करण जौहर ने ये बताया था कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और जाह्नवी कपूर होंगे, और अब उन्होंने इस बात से भी पर्दा हटा दिया है कि इस फिल्म का थर्ड स्टार कौन है। ये कोई और नहीं बल्कि डेब्यूटेंट लक्ष्य है। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 11 में इस हफ्ते आप देखेंगे एक और ब्रेव ऑफिसर की कहानी। एक्स आर्मी ऑफिसर, इंटरनेशनली अक्लेम्ड ऑथर करमवीर नवीन गुलिया पहुंचे हैं इस हफ्ते के एपिसोड में। इनकी कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू जरूर छलकेंगे और इनकी विचारधारा कुछ अलग है, जिसे जानकर बिग बी भी हैरान रह गए। सोनम कपूर पहुंची बाप्पा का दर्शन करने। अंधेरी सा राजा के दर्शन कर सोनम कपूर ने ली ब्लेसिंग्स फॉर हर अपकमिंग फिल्म द जोया फैक्टर। इस हफ्ते कपिल शर्मा के शो पर मेहमान बनकर आएंगी आयुष्मान खुराना। जी हाँ, ये एपिसोड होने वाला है सबका ड्रीम एपिसोड, क्योंकि ड्रीम गर्ल की स्टार कास्ट आपको हंसी से गुदगुदाने लगेगी। कीकू शारदा ने अपने फनी वन लाइनर से सभी को हंसाया और कपिल का भी मजाक उड़ाया। पल पल दिल के पास का आज ट्रेलर लॉन्च रखा गया और इस इवेंट के दौरान करण देओल ने किया खुलासा कि वो फ्रस्ट्रेटेड थे अपने डैड सनी देओल से। देखिए क्यों। उन्होंने उसको झेला है। कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता था क्योंकि यू नो कि एक और टेक रॉकी, यू आर नॉट डूइंग बैड, यू नो यू कैन डू बेटर, बट ही वाज ओनली डूइंग इट फॉर द बेस्ट ऑफ अस। इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग, आई ब्रोक डाउन, देयर वर मोमेंट्स वेयर आई थिंक आई कुड नॉट मूव ऑन अहेड एज एन एक्टर, बट लुकिंग बैक एट इट, if it wasn't for those moments it wouldn't make me who I am, and it really helped me grow as a person and as an actor. So thanks to dad I am here right now, and I don't think I'll ever be able to repay him or my dada, so hopefully from now on I can start repaying them since I've entered the industry. सारा अली खान ने रिसेंटली एक थ्रोबैक फोटो शेयर किया और इस फोटो में ये बहुत ही ज्यादा ओवरवेट नजर आ रही है, और इस फोटो को शेयर करते हुए सारा ने लिखा थ्रो टू व्हेन आई कुडंट बी थ्रोन, और इस पर कार्तिक का एक मजेदार रिप्लाई देखने को मिला। आमिर खान ने जैन ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए एक ट्वीट किया जिसमें वो माफी मांगते नजर आ रहे हैं। फैंस ने उन्हें ट्रोल करते हुए कहा कि वो फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए मांग रहे हैं माफी। सनी देओल के बेटे करण देओल की होने जा रही है बॉलीवुड में एंट्री फिल्म पल पल दिल के पास के साथ, और इसी फिल्म का आज ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया। इस इवेंट में धर्मेंद्र का एक शायराना अंदाज भी देखने मिला। इतना ही नहीं, कई मजेदार किस्से हुए इस इवेंट में। That's my life. You can see on my farmhouse what I do all that. Shows I'm still son of the soil. Dharti putr hu. Hamesha strong rehte hain. I got an honor. Ji nahi, isme main thoda shy feel kar raha tha. Ab naye ladke ke samne hamare waqt mein thehrao tha. मैं भी माँ बाप के पास बैठता था, ये भी बैठते हैं, लेकिन इनको फिर लगा तो इज गुड। शैतान बेचारा, पहले देखो मैं, मेरे पास एक गन थी 30 स्प्रिंगफील्ड, मैं एक रिवॉल्वर रखता हूँ, तो ये सुबह वेपन, बड़े पापा ही कॉल्स मी बड़े पापा, बड़े पापा वो वेपन वो रिवॉल्वर दिखाओ, मैंने दिखाया तो एक दिन मैं लोड था, गन लोड थी, जो मेरी फॉल्स सीलिंग थी ऊपर ऊपर छत भी ऐसी कमजोर थी, तो पट्टे ने ट्रिगर दबा दिया। तो मैं सुन यार ये कुछ भी हो सकता है, ऊपर थी थोड़ी तो सन्नाटा हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे कहते हैं बड़े पापा आई गो डाउन, मैं गो डाउन यार, तो मैं मेरे ला के रख दिया। फिर उसके बाद आया नहीं, मेरे पास काम आने लगा, एक बार पता नहीं क्यों था। कंगना रनौत ने आज रखा कावेरी कॉलिंग के इनिशिएटिव में एक इवेंट, और इस इवेंट को प्रमोट करने पहुंची कंगना रनौत। वो चाहती है कि सब इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। वो इस कॉज के लिए एक ह्यूज अमाउंट डोनेट कर रही है।
क्या रणबीर कपूर आलिया भट्ट ने कर ली है चुपके से शादी? फैंस के लिए ये है एक शॉकिंग खबर। इंटरनेट पर वायरल हो रही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के वेडिंग पिक्चर्स ये एक्चुअली एक फोटोशॉप्ड इमेज है। आलिया का मान्यवर का एड आउट हुआ था जिसमें वो दुल्हन के लिबास में दिख रही थी, तो उसी एड के पिक्चर को लेकर फोटोशॉप किया है इस फैन ने।